गुड इवनिंग एवरी वन आज uh, हमारा जो टॉपिक है दैट इज करोजन ऑफ मेटल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे ध्यान से देख लीजिएगा क्रोजन ऑफ मेटल्स इज अवर क्वेश्चन टूडे ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोजन का मतलब क्या होता है क्रोजन ऑफ मेटल्स हर एक मेटल में क्रोजन होता है जैसे हम आयरन के कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग जंग जिसको हम कहते हैं असल में क्या होता है मेटल की सरफेस जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज़ ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर एयर सराउंडिंग जो होता है इसके साथ रिएक्ट करता है और एक सरफेस स्लो डिटेरियोरिएशन हम कह सकते हैं स्लो डिस्ट्रक्शन स्लो प्रोसेस है हर एक मेटल में होता है किसी में ज्यादा होता है डिटीरियोरेशन डिटेरियोरेशन सिलो डिटेरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स वेन दे कम इन कंटेक्ट विथ मॉइस्ट एयर एयर एंड मॉइस्टर इसी को कहते हैं करोजन याद रहे जब करोजन होता है तो कौन सा चीज इस सरफेस पर सरफेस ऑफ मेटल पर क्या क्या बनता है मेनली ऑक्साइड बनता है सरफेस ऑफ मेटल जो होता है सरफेस ऑफ मेटल्स ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल ऑक्साइड्स मेन जैसे आयरन आयरन में ऑक्साइड बनता है aluminium में ऑक्साइड बनता है कॉपर में कार्बोनेट्स बनते हैं कॉपर कार्बोनेट बनता है कभी कभी अगर मैं सिल्वर ले लू थोड़ा ब्लैक होता है सिल्वर वो ब्लैक का मतलब है इसके ऊपर सल्फाइड की लेयर बन गई है सो so, This is corrosion due to corrosion. So, what is corrosion? I can repeat: silo destruction of metals when they come in contact with moist air is known as corrosion of metals. Right? I can repeat: silo destruction of metals when they come in contact with moisture and air or moist air. During corrosion, what happens? Oxides, layer of oxides, carbonates, sulph. Uh, सल्फाइड एक्स्ट्रा यही बन जाता है आपको याद रखना है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है नेक्स्ट पेज पर मैं बता रहा हूं जो रिएक्टिव मेटल्स है उनमें ज्यादा क्रोजन होता है राइट right? उनमें ज्यादा क्रोजन होता है और जो जो लेस रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है उनमें कम क्रोजन होता है जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है उनमें मोर रिएक्टिव मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनमें मोर रिएक्टिव मेटल्स में ज्यादा होता है लेस रिएक्टिव मेटल्स में कम मोर रिएक्टिव मेटल्स में ज्यादा ज्यादा क्रोजन जैसे नोबल मेटल्स है जैसे गोल्ड है उसमें होता ही नहीं है ठीक है ना प्लेटिनम में इसमें बहुत कम करोजन होता है तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा ज्यादा हाईली रिएक्टिव है वो ज्यादा रेट करेंगे आउटर सरफेस ज्यादा रेट करेंगे तो क्रोजन भी ज्यादा होगा आयरन में आयरन के कोरोजन को बेटा कहते हैं अगर इन केस ऑफ आयरन हम ले लें इसको हम रस्टिंग कहते हैं सो रस्टिंग इज क्रोजन बट क्रोजन किस में रस्टिंग इज क्रोजन ऑफ आयरन राइट right? और रस्ट होता है बेसिकली Fe2O3 ऑक्साइड एंड एक्सटेंस वाटर राइट right? वो द रस्ट ये याद रखना है सो व्हाट इज रस्ट रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ठीक है बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि किस मेटल में देखो जो मोर रिएक्टिव है उसमें ज्यादा होगा इंप्योरिटीज अगर मेटल में है अगेन इंक्लूजन ज्यादा होगा अगर मेटल के साथ कभी नमक वाला पानी आ जाएगा कोई इलेक्ट्रोलाइट आएगा अगेन क्रोजन ज्यादा होगा अगर पोल्यूशन ज्यादा है वहां पर ज्यादा होगा ठीक है ना तो ये फैक्टर्स है अगर मान लीजिए को एक फैक्टर ये भी है अगर किसी मेटल के ऊपर एक लेयर हम कोटिंग करेंगे जो नॉन जो नॉन क्रोजिव है तो उसमें क्रोजन हो भी नहीं सकता है

सबसे पहले आपको यह समझना है कि वेन वी इसे आप मैकेनिज्म करोजन इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी ऑफ करूजन इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ करोजन इलेक्ट्रोकेमिकल थियोरी ऑफ करूजन ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन के बेस पर ये हम एक्सप्लेन करते अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन से कैसे हम मैकेनिज्म कर सकते हैं एक्सप्लेन देखो बेटा पहली बात यह कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी तो तभी तो रिएक्शन हो सकती है तभी तो एनोडूज करेगा क्या बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें क्या क्या चाहिए एनोड जो लूज करेगा कैथोड जहां पर गेन होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट राइट देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा हम मेटल्स की बात जब मैकेनिज्म करेंगे हम हम रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाएंगे हमें कोई ना कोई मेटल को लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है मेटल आयरन इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन का दिखाएंगे जब आएगा वहां पर क्वेश्चन करोजन ऑफ आयरन या करोजन ऑफ मेटल्स हम of iron दिखाते हैं इसी का mechanism दिखाएंगे पूरे ध्यान सुनो corrosion of metals में of iron को हमने दिखाना है अब इसको हम कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन से अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में क्या बताया मैंने सेल बनती है सेल का मतलब क्या है ऑफ सेल का मतलब एनोड कैथोड और एनोड क्या हो इलेक्ट्रोलाइट अब वो कैसे होता है अब पूरे ध्यान से देखो अब हमने क्या देखना है कि मेटल की सरफेस पर छोटे-छोटे बेटा -छोटे, क्या ध्यान सुनो जिस जगह पर आयरन है सपोज आयरन सरिया हमने लिया आयरन में किसी जगह पर पानी का एक ड्रॉपलेट जहां पर रुक जाएगा राइट वो एक सेल मानी जाती है बहुत सारे एक ड्रॉप यानी कि बड़ा ड्रॉप जो हमें आंख से दिखेगा बिल्कुल छोटा सा छोटा सा इसमें यह सरिया था ऐसे इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन है उसी डिप्रेशन इनको कहते हैं करोजन कपल्स इन छोटे छोटे डिप्रेशन को नोन एज करोजन कपल याद रहे तो इनमें क्या आ जाता है इनमें आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट मैंने कहा वाटर को मॉइस्चर ये जरूरी नहीं कि पानी बारिश जरूरी नहीं है पानी अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो भी काफी है मॉइस्चर का एक दाना भी उसमें थोड़ा पानी इसमें आ जाए तो इलेक्ट्रोलाइट बन गया तो सेल बन गई सो so, एक सरफेस में अगर सिरे का एक मीटर का टुकड़ा आपके पास है उधर हजारों छोटे छोटे का प्लस बन सकते हैं छोटे-छोटे द डिप्रेशंस होते हैं इन डिप्रेशंस क्या का, काम करते हैं दे एक्ट एज कोरोजन कपल दे एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अब इस सेल में देखो बेटा ये जो रेड से मैंने बनाया ये आयरन है तो यही आयरन एक्ट करेगा सपोज यहां पर लेता हूं मैं किसी जगह कोई जगह लेता हूं मैं लेट अस टेक इट विद दिस ये जगह है आयरन सारे आयरन तो सारा है तो मुझे एक जगह दिखाना है सपोज ये एनोड है ये एनोड का काम कर रहा करेगा अब देखो पढ़ाई आपको मैंने कहा भी था एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये आयरन सॉलिड है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा ये बनाता है Fe2+ एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन राइट अब क्वेश्चन है अगर आयरन ने लूज किया कोई तो गेन करने वाला होगा तभी तो, तो आयरन लूज कर सकता है ना अदरवाइज आयरन लूज नहीं कर सकता है एनोड तभी लूज करेगा जब कैथोडा अब कैथोड कहां से आएगा इसमें आयरन तो है सारा आयरन चाहे इस जगह पर आयरन हो इस जगह पर आयरन हो किसी भी जगह पर एनोड बन सकता है क्योंकि आयरन आयरन ही है 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 अब कैथोड 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 कौन ध्यान से सुनो बेटा बता रहा हूं होता वाटर जो है ना वाटर इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट में एच प्लस मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में वॉटर में नेक्स्ट स्टेप पहले दिखाता हूँ ध्यान सुनो अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है इलेक्ट्रोलाइट मैं दिखाता हूं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट अब इलेक्ट्रोलाइट है वाटर या अगर कार्बन कार्बोनेटेड वाटर है तो ज्यादा बेटर है वाटर क्या होता है H प्लस और ओएच नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है आपको पता है वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट सो एच प्लस होगा ही होगा गेन करने के लिए ओएच नेगेटिव या अगर

तो वो भी H प्लस देगा क्वेश्चन है ये भी देगा H प्लस आइन और अकेले वाटर भी देगा H so, a small drop of water acts as electrolyte। प्लस इलेक्ट्रोलाइट जाऊंगा अपनी जगह पर सेल की जगह अब हमें पता चला सेल में क्या क्या है आयरन लूज करता इलेक्ट्रॉन और वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर में H प्लस है और जिस जगह पर ये एच सपोज इसने इस, इस आयरन ने लूज किया इलेक्ट्रॉन और वहां पर सपोज ये जगह है जो मैंने ब्लू से दिखाया इस जगह पर इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन और वो एच प्लस ने गेन कर दिए जब एच प्लस गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो सेल तो बन गई क्योंकि आयरन ने लूज किया इलेक्ट्रॉन एच प्लस जो होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएंगे एच देखो अब रिएक्शन फिर बताता हूं अलग से अब देखो बेटा एनोड रिएक्शन हमें पता चल गई एनोड रिएक्शन आपको मैंने पहले ही बता दी एनोड रिएक्शन क्या है Iron loses electron and forms two plus ion. इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आइन दिसम बहुत आइन एक चला जाएगा ठीक है अब कैथोड में देख लो कैथोड में क्या चीज है एच प्लस आइन किसी भी जगह पर जिस जगह पर एच प्लस ion गैन करता इलेक्ट्रॉन याद रहे तो वो कहा बनेगा एच ये हाइड्रोजन एटम्स जो है ये ऑक्सीजन जो वहां पर होता है वाटर बनाता है सो so, मतलब एच भी खत्म इस प्रोसेस में क्या हुआ इस प्रोसेस में क्या हुआ एनोड ने लूज किया इलेक्ट्रॉन और कैथोड मतलब वो जगह जहां एच प्लस गैन कर रहा इलेक्ट्रॉन और वो सेल बन गई इलेक्ट्रॉन लूज भी हो गए इलेक्ट्रॉन गैन भी हो इस प्रोसेस में बना क्या हमें इस प्रोसेस में हमें Fe2+ बना क्योंकि आयरन ने लूज तभी किया है जब उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई गेन करेगा वो करेगा एच प, अगर वाटर नहीं होगा तो एच प्लस नहीं होगा एच प्लस नहीं होगा तो करोजन नहीं होगा सो टू प्लस आयन बना, बना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब एफ टू प्लस बना ऑक्सीजन होता है एयर है एयर तो है ही है मॉइस्चर तो है ही है मॉइस्चर कितना जरूरी है मॉइस्चर है ही है हवा में या वहां पानी है ही है रिएक्ट करता और बनाता एफ थ्री एफ थ्री तो बनाता ही बनाता है और इस प्रोसेस में ये ये बनाता है ये है सो so, जब स्टार्ट होता है फिर ये रुकने का काम नहीं देता है रीजन उसका ये है कि एफ टू प्लस बनने का मतलब एफ टू ओ थ्री बनना और एच प्लस दोबारा से दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं तो यही तो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो हम देखते ये थ्री बना, देख बना ये फर्दर वाटर होता है वहां पर वाटर तो सेल में है ही है उसके साथ रेट करके वहां पर बनाता है एफ जिसको हम जंग कहते हैं जो रस्ट है एफ एक्सटेंस वाटर कुछ x मतलब दो दो टाइम्स 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 हो हो सकते सकते हैं 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 तीन चार होते जितने भी अवेलेबल होंगे तो रस्ट। so, रस्ट क्या -क्या इलेक्ट्रॉन लेकिन एफ लूज कब करेगा जब कोई H प्लस आइन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन ये H प्लस आयन जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तभी अब ये H+ प्लस आयन आएगा कहां से वेरी इंटरेस्टिंग H+ प्लस आयन आता है यहां वाटर से या कार्बोनेटेड वाटर से राइट right? और अल्टीमेटली जब Fe2+ बन गया वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ बनता है Fe2O3 व्हिच गेट्स फर्दर हाइड्रेटेड एंड वी गेट रस्ट अंडरस्टैंड अब इसमें अगला जो है वो है कि हम प्रिवेंट कैसे करेंगे रस्ट को प्रिवेंशन कैसे है बड़ा इंपॉर्टेंट देखो एक है बैरियर प्रोटेक्शन एक बैरियर बना दो ना आयरन अगर है ये आयरन की सरफेस है आयरन और मॉइस्ट एयर के बीच अगर बैरियर बना देंगे हम तो फिर कंटेक्ट आएगा नहीं उसको हैं बैरियर प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं पेंट करते हैं राइट right? ऑयलिंग करते हैं ग्रीजिंग करते हैं या ऊपर मेटल कोई किसी और मेटल की सरफेस इस पर डालते हैं राइट लाइक दिस तो फिर क्या होता है लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कोई नोबल मेटल है 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 निकल जिंक क्रोमियम एल्यूमिनियम के ऊपर से एक लेयर बनाते हैं करेक्ट अब याद रहे इसको हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन एक बैरियर बनाएंगे हम एक आयरन को इस मेटल को मेटल को हम मॉइस्ट एयर से बचाते हैं बाय पेंट करना बाय मैंने कहा ऑयलिंग करना बाय ग्रीजिंग करना राइट right? और जो याद रहे जो अगर अगर हम इसको ऊपर से ना कोटिंग करेंगे जिंक से उसको गैल्वनाइजेशन भी बोलते हैं राइट लेकिन वो मैं दूसरे में बताता हूँ ये था बैरियर प्रोटेक्शन दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन देखो सैक्रिफाइस करना एक के बदले दूसरे को सैक्रिफाइस करना सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि सैक्रिफाइस करना जैसे मैं जिंक का लेता हूं

बेटा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में हम इसको ऐसे एनोड बनने नहीं देते हैं इस वो भी वैसे ही है जैसे अंडरग्राउंड पाइप है आयरन की पाइप डाल दी हमने इस पाइप को हम क्या करते हैं इसके अराउंड हम ऐसे कोटिंग करते हैं ऐसे एक तार तार एक मिनट यहां से निकालते हैं इसको सपोज यहां से स्टार्ट किया हमने बाहर से अंदर हो गए यहां से बाहर निकले हां ये ऐसे तार लगा के रखते हैं मैग्नीशियम की तो अब क्या होगा एनोड आग आग नहीं बनेगा एनोड बनेगा एनोड मैग्नीशियम बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन इसलिए लूज करेगा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन राइट और लास्ट में यूजिंग एंटी रस सोल्यूशन हम एंटी रस सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं अगर कोई मान लिया ऐसा चीज है आयरन का हमें निकला जमीन से या कोई पुराना चीज है जिसकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते जिसको हम गैलवनाइजिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे इसमें हम हमेशा एंटी यूजिंग एंटी रस सोल्यूशन मैंने रस लिखा यूजिंग एंटी रस सोल्यूशन हम कर सकते हैं यूज एंटी रस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है जनरली अल्कलाइन क्रोमेट्स होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट्स होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं उनसे हम इनको यूज करते हैं लगा देते हैं सारे एच प्लस आयन अगर कोई भी होगा क्योंकि अल्कलाइन होता है अल्कली होती है नेगेटिव OH वो प्लस आयन को रिमूव करता सरफेस से ये पूरा क्वेश्चन था ये एक क्वेश्चन मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं पढ़ाया है तो ये आपका पूरा हो गया नाउ लिसन हियर इम्पोर्टेंट ये मैं अभी डाल दूंगा ये आ, सारा नो, जिन, जिनने नोट्स मिले मैंने आज मैं आया था उधर ट्यूटोरियल में दोनों जगहों पर तो मैंने जो जो बच्चे आए थे उनको दिया था वहाँ पर किसी बहुत सारे बच्चों को भेजा भी है आप मेरे घर से ले सकते हो नोट्स अगर हम नज़दीक है अगर वहाँ पर है नोट्स ही चाहिए तो मैं वहाँ पर आके दे सकता हूँ कोई चिंता नहीं विद इन ए कपल ऑफ डेज इन द मीन टाइम मैं इसका पी भी डालूंगा वो मैं, मैं यहाँ इस रिसोर्स में भी डालूंगा हाँ अब एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है बच्चों से कि मुझे उन्होंने चुटो वालों ने कुछ दिया नहीं बेसिकली फीस वीस वे, उसकी कोई पेट की बात में कर रहा हूँ तो आप मुझे एक लिस्ट भेज दीजिए बच्चे कितना दिया जिसने जितना दिया मुझे कोई नहीं पर्सनल पर, करूंगा तो उनसे धन्यवाद गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच कुछ पूछना है तो पूछ सकते पैसे हो होगा हाँ बेटे नहीं, नहीं टेस्ट, टेस्ट? हाँ, टेस्ट, टेस्ट होगा हो हो कोई बात नहीं अगर वहां पर टोटल में प्रॉब्लम हो गई ना मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट ले लूंगा नहीं तो हो जाएगा दो तीन दिन में वो सारा ठीक हम कर रहे हैं उधर कोई चिंता नहीं आप चिंता मत कर लो टेस्ट होंगे ठीक है। okay. उसकी चिंता मत कर लो मैं आपको टेस्ट ले लूंगा, आप चिंता मत। मैं घर आ जाऊंगा मेहनत आपको करनी है अब ये क्या है मैं तो ऑनलाइन भी ले, ले लूंगा टेस्ट उससे कोई चिंता नहीं आपके पेरेंट्स के सामने डोंट वरी थैंक यू गॉड ब्लेस यू अगर किसी को कुछ पूछना है कुछ भी है तो आप कर सकते हो पूछ सकते हो ठीक है बेटा ये आपका सारा